times you've been taught, you've been told, don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं लेके आया हूँ न्यूली लॉन्च्ड रॉयल इनफील्ड, जो डुअल टोन के साथ आई है ऑरेंज एंड ब्लैक कलर पे, और एक और कलर आया है उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहे, और हाँ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना, पूरा सब्सक्राइबर रेट मेरा घट चुका है पता नहीं क्यों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो आप लोग देखोगे फ्रंट में वैसे ही आपको हेडलैम्प मिल रहा है जैसा आता था पहले, बस इसके कलर वेरिएंट पे चेंज किया गया है। और जो एक और कलर वेरिएंट है सिल्वर पे प्रेजेंट है, जो एज अ सिल्वर जो दिखता है उस पर एलॉय में भी कुछ चेंज है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। हाँ फ्रंट से देखो टेलीस्कोपिक फोक, और आगे में डुअल चैनल ईबीएस है, मतलब कि दोनों तरफ ईबीएस रिम मिल जाएगा आपको। आगे में डिस्क, और रियर में भी डिस्क है। MRF का टायर है फ्रंट में, और इनका डायमेंशन है 90x90 का, 19 इंच का एलॉय व्हील है। और टैंक पे आते हैं तो रॉयल इनफील्ड का जो लोगो आप देखोगे पूरा ऑरेंज टोन पे है, जो लोगो का कलर, और डुअल टोन है इसका टैंक ब्लैक एंड ऑरेंज कलर का, बाकी पूरी ब्लैक सेटअप है बाइक पे। यहाँ पे भी ब्लैक, ये वाले पोर्शन भी ब्लैक है, इंडिकेटर्स के पास भी ब्लैक है, लीवर्स वगैरह सब ब्लैक है, और लुकिंग मिरर्स वगैरह भी। और जो टैंक है उसे डुअल टोन में दिया है ऑरेंज एंड ब्लैक। नीचे आते हैं तो आप इंजन भी देखोगे, वो भी कंप्लीट ब्लैक में, मैट ब्लैक कलर, और जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वहाँ से लेते हुए एग्जॉस्ट तक सारे ब्लैक में। यहाँ जहाँ पे क्लासिक का लोगो रहता है, और इसको एक फ़िल्टर बॉक्स है, और उस साइड में कुछ टूल किट्स वगैरह रखने के लिए, वो सब जो है वो पूरे ऑरेंज में प्रेजेंट है इस साइड। एंड इस साइड आपको दिख रहा होगा रेयर मडगार्ड जो है वो भी पूरा ऑरेंज में प्रेजेंट है। रॉयल इनफील्ड का लोगो यहाँ पे ब्लैक में प्रेजेंट है, और एलॉय आप देख सकते हो 120x80 का टायर है, 18 इंच का एलॉय है MRF का टायर, और फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है डुअल कलर में ऑरेंज और ब्लैक, काफ़ी सही लग रही है देखने में। और एलॉय व्हील भी आपको दे दिया, स्पोक व्हील इसमें नहीं है इस बार, और इंजन वगैरह सारे ब्लैक में प्रेजेंट है, मीटर वगैरह। हम बाइक स्टार्ट करके देखते हैं कुछ साउंड में भी चेंज है कि नहीं है, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज होगा। की मिल गया मेरे को, बाइक को स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्रंट में देखोगे आप जैसा एज़ यूजुअल पहले लाइट जलता था वैसी लाइट जल रहा है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर भी वैसी एज़ यूजुअल वर्क कर रहे हैं, न्यूट्रल में प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं बाइक को, कुछ वैसा आवाज़ में चेंज नहीं लग रहा है मेरे को, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। तो एग्जॉस्ट वगैरह में कुछ वैसा चेंज नहीं लग रहा है मेरे को, पुरानी जैसी साउंड थी वैसी आ रही है, जो जितनी क्लासिक्स में आने लगी है BS6 की। और इस पर बस डुअल टोन कलर आया है और एलॉय में आ गया है, और एक और जो ब्लैक कलर का आता था रॉयल इनफील्ड वो भी एलॉय में आता था, ये डुअल टोन के साथ एलॉय में आ रहा है। अब बॉडी आप लोगों ने देख ली, थोड़ा सा इंजन डिफाइन कर देते हैं। 346 cc का इंजन है सिंगल सिलेंडर, और जो पावर है इसका 19.1 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 1,83,164 रुपीज़। और अगर ऑन रोड जाना है आप लोग को तो शोरूम का डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ कॉन्टैक्ट करिए। तो गाइज ये हो गया इसका इंजन डायमेंशन वगैरह, बॉडी वगैरह मैंने सब दिखा दिया है, ऑरेंज एंड ब्लैक टोन में प्रेजेंट है, साउंड भी सुना दिया है, डुअल चैनल ABS है, इसका पावर वगैरह सब बता दिया आपको, और कहाँ कहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे रियर मडगार्ड, और इस साइड जो ग्लव बॉक्स नहीं, मतलब टूल बॉक्स वगैरह कह सकते हो आप लोग, ग्लव भी रख सकते हो अगर अट जाता है तो, और एक तरफ फिल्टर रहता है। तो चलिए वीडियो करते एंड, होप सो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।